साद्वैतम साधुतम परिजन सहितम कृष्ण चैतन्य देवम श्री राधा कृष्ण पादान सहगन ललिता श्री विशाखानितांस ओम ज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः नामयं गुरुदेवाय धीमते सममूर्तये श्री श्रीमद् भक्ति श्री रूप सिद्धांति प्रभवे श्री महात्मने नामयं विष्णुपादाय राधिकायै प्रियात्मने श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायणेति नाम्ने नामयं विष्णुपादाय आचार्य सिंह रूपिणी श्री श्रीमद् भक्ति प्रज्ञान केशव इति नामिने नामयं विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति सिद्धांत सरस्वती इति नामिने हरिभार्षभानवि देवी दयिताय कृपाद्वये कृष्ण संबंध विज्ञान दायिनी प्रभवे नमः माधुर्योज्वल प्रेमाढ त्रिरूपानुग भक्तिद श्री गौर करुणा शक्ति विग्रहाय नमस्तुते नमस्ते गौरवाणी श्रीमूर्तये दिनतारिणी श्रीरूपानुग विरुधाव सिद्धांत दंतहारिणी नमो गौरकिशोराय साक्षात वैराग्यमूर्तये विप्रलम्बरसाम्बुधे पादाम्बुजाय ते नमः नमो भक्तिविनोदाय सच्चिदानन्दनामिने गौरशक्तिस्वरूपाय रूपानुगभराय ते गौरविभावमीष्टं निर्दिष्टास्वजनप्रिय वैष्णव सार्वभौम श्री जगन्नाथाय ते नमः वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः वृन्दाय तुलसीदेव्यै प्रियाय केशवस्य च यहाँ पर भी बिछाता कृष्ण भक्ति व्रज देवी सत्यवते नमो नमः हे अंदर में श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 बोल हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कोई भजन गालो कोई भजन गालो हाँ एक भजन गालो फिर भागवत आरती कथा करते हैं एक भजन गालो जय जय श्री राधे श्री गुरु चरण प्रताप ने पायो विपिन को बाप वरणों राधे कुल होने रस कम दिए गिरधारी श्याम बन
Thank you.
पहले धूप को लगा लो, धूप से जल जाएगी, धूप धूप जलेगी। हाँ शुरू शुरू कर दो। Hey, hey, hey.
गौरचंद्राय राधिकाय इष्टदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः वांछाकल्पतरुभ्यः कृपासिन्धुभ्यः च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः अजानुलंबितभुजौ कनकावदातौ संकीर्तनैकपितरौ कमलायताक्षौ विश्वंभरौ द्विजवरौ युगधर्मपालौ वंदे जगत्प्रियकरौ करुणावतारौ हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत श्रीराधाकांत नमस्तुते भजामि राधांगमरविंद नेत्रं स्मरामि राधांगमधुरस्मितास्य वदामि राधां करुणाभराद्रां ततो मम न्यास्ति गतिर्न क्वापि वृंदाय तुलसीदेव्यै प्रियाय केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रददेवी सत्यवतै नमो नमः तमादिदेवं करुणानिदानं तमालवर्णं सुहृदावतारं अपार संसार समुद्र सेतुं भजामहे भागवतं स्वरूपं जंग प्रभजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायन विरह कातर आयुभाव पुत्रेति तन्मयतयातर वो विनेदुं स्तं सर्वभूत हृदयं मुनिमान तुस्मि नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद सब एक बार हाथ उठाकर बोलो बोलो हरे कृष्ण हरे 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 राम 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 बोलो हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम मेरे गुरुपाद पद्म नितलीला प्रविष्ण विष्णु पाद अष्टोदर सत श्री श्री श्रीमद भक्ति श्री रूप सिद्धांत गोस्वामी महाराज के चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात मेरे शिक्षा गुरुपाद पद्म
नितलीला प्रविष्ट विष्णु पाद अष्टोत्तर सत श्री श्री श्रीमद्भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज जी के चरण सरोज में श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करता हूँ। उपस्थित समस्त वैष्णव वृंद, समस्त वैष्णव वैष्णवी माता पिता सभी को मैं यथायोग्य प्रणाम करता हूँ। हरे कृष्ण। आज हम लोगों का बहुत बहुत ही बढ़िया दिन है। हम लोग श्री पुरुषोत्तम महीना में श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करने के लिए जा रहे हैं। कदी जो श्रीमद् भागवत है उसमें चार अक्षर है, भा ग ब और त। कदी ये चार अक्षर में ही ये भागवत का क्या महिमा इसी में ही अंतर्निहित है। बोले भाति सर्वे सुलोकेशु गियते नारदादिवे वरिष्ठ सर्वशास्त्राणाम तरणी च भवार्णव। इसलिए कुछ कुछ लोगों का कहना है कि ये श्रीमद् भागवत में राधा जी का नाम कहाँ है, इसलिए वृंदावन में जाओ तो सब किसके नाम लेते हैं? राधे राधे। जोर से बोलो राधे राधे। क्या तुम लोग इतने राधे राधे बोलते हो? भले ये श्रीमद् भागवत ग्रंथ में श्री राधा जी का नाम फिर क्यों नहीं है? लेकिन हमारे गौड़ीय टीकाकार कहते हैं भागवत में तो श्री राधा जी के सिवाय कुछ है ही नहीं, जिसमें केवल श्री राधा जी का ही जिसमें नाम है। इसलिए कहते हैं श्रीमद्। श्रीमद् मतलब क्या है? बोले श्री मतलब श्रीया, श्रीमती राधा जी की, ये मद मतलब ये प्रेम है। इसलिए ये भागवत नहीं जिसमें केवल श्रीमती राधा रानी की प्रेम की जिसमें व्याख्या की गई है। कहते भा मतलब क्या? बोले भाति सर्वेशु लोकेशु। कहते केवल हम लोग ये भारतवर्ष में कथा सुन रहे हैं ऐसे नहीं, कहते जिसका महिमा भाति सर्वेशु लोकेशु, सारे लोक में जिस भागवत की महिमा है। इसलिए श्री स्कंद पुराण में बताए श्री उद्धव जी स्वयं कहते हैं, कहते मेरे गुरु जी मेरे को एक कथा सुनाए थे। बोले क्या कथा सुनाए थे? बोले जब ये सृष्टि की प्रारंभ हुई तब भगवान कृष्ण ने तीन देवता को प्रकट किया है, ब्रह्मा विष्णु और महेश। ब्रह्मा जी को बोले तुम्हारी काम सृष्टि काम है। ब्रह्मा जी बोले ये जो सृष्टि का काम है रजगुण का काम है, फिर ये रजोगुण से मेरे को मुक्ति कैसे मिलेगा? भगवान ने कहा अगर ये सात दिन तक ये श्रीमद् भागवत कथा को सुनो तो कहते तुम्हारी ऊपर में ये रजोगुण का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसलिए ब्रह्मा जी ये भागवत की प्रभाव से ही ये जगत में सृष्टि का काम स्वयं ब्रह्मा जी करते हैं। मतलब है कहते ब्रह्मलोक में भी ये भागवत की विद्यमान है। इतने में श्री भगवान विष्णु आए, बोले आपका आशीर्वाद से तो जगत को मैं पालन करता हूँ कर सकता हूँ, लेकिन ये लक्ष्मी को कैसे पालन करूँगा? बोले आप भी ये भागवत कथा को आप भी कथा को सुनो और सुनाओ। दोरीलाल प्रभु जी आपके गोली देंगे। आप भी ये कथा को सुनो और कथा को सुनाओ। इसलिए स्वयं जब नारायण कथा सुनाते हैं कहते माँ लक्ष्मी स्वयं बैठ करके ये कथा को लक्ष्मी स्वयं सुनते हैं। कहते कितने दिन तक विष्णु ये कथा को कितने दिन में विष्णु पूर्ण करते हैं? बोले एक महीना। जैसे हम लोग सात दिन तक ये कथा सुनेंगे, लेकिन कहते स्वयं विष्णु जब ये कथा को व्याख्या पूर्वक कहते हैं कहते उनको एक महीना लग जाती है। फिर माँ लक्ष्मी स्वयं कथा सुनाती है और विष्णु बैठ करके स्वयं कथा सुनती है। कितना दिन में लक्ष्मी पूरी करती हैं? कहते दो महीना। इसका मतलब है नारायण जितने सुंदर कथा सुनाते हैं उससे जो सुंदर कथा सुनाती है माँ लक्ष्मी। अभी स्वयं शंकर जी आए, बोले प्रभु लय चारी तरह का है, प्रलय चारी तरह का है। जो आत्यंतिक लय है, आत्यंतिक लय मतलब जब ब्रह्म लोक तक जब नष्ट हो जाता है,
कहते प्रभु ये ध्वंस कैसे करूंगा, और ये जो ध्वंस ये तमोगुण का काम है, ये काम को मैं कैसे कर पाऊंगा। भगवान बोले आप भी कथा सुनो और कथा सुना। इसलिए शंकर जी कौन है, कहते ये वैष्णव नाम यथा संभव। भगवान की भक्तों में शंकर जी ये सर्वश्रेष्ठ प्रभु की ये भक्त हैं। इसलिए शंकर जी के बगैर प्रभु का कोई लीला ही नहीं होता है। इसलिए जब प्रभु राम रूप में आए, कहते श्री हनुमान बन करके, श्री शंकर जी ये हनुमान बन करके आए। इसलिए कहते हैं ना, दुनिया चले ना श्री राम के बिना, राम जी चले ना हनुमान के बिना, दुनिया चले ना श्री राम के बिना, राम जी चले ना हनुमान के बिना, दुनिया चले ना श्री राम के बिना, राम जी चले ना हनुमान के बिना, दुनिया चले ना श्री राम के बिना, अलंका जले ना हनुमान के बिना, रावण भरे ना श्री राम के बिना, लंका जले ना हनुमान के बिना, रावण भरे ना श्री राम, अयोध्या जले ना श्री राम के बिना, राम जी चले ना हनुमान के बिना, दुनिया चले ना श्री राम के बिना, राम जी चले ना हनुमान के बिना। इसलिए कहते श्री शंकर के बगैर रामलीला भी संभव नहीं। उस समय हनुमान बन करके आए। जब भगवान कृष्ण बन करके आए, बोले शंकर जी गोपीश्वर महादेव बन करके आते हैं ठाकुर जी की रास को दर्शन करने के लिए। जब कृष्ण चैतन्य महाप्रभु का रूप में आए, फिर शंकर जी कहते श्री अद्वैत आचार्य बन करके आए, और अद्वैत आचार्य रूप में उन्होंने भगवान को, भगवान सो रहे थे गोलोक वृंदावन में, ठाकुर जी को इसी जगत में उन्होंने श्री सच्चिदानंद गौर हरि रूप में उन्होंने प्रकट कर दिया। किसने? श्री भोले बाबा ने। बोले श्री सच्चिदानंद गौर हरि की जय। बोले श्री चैतन्य महाप्रभु की जय। इसलिए शंकर जी जब ये कथा करते हैं तब माता पार्वती सुनती हैं। शंकर जी इतने सुंदर व्याख्या करते हैं, कहते एक साल लगा देते हैं कथा को व्याख्या करने के लिए। मतलब शंकर जी बड़े सुंदर रूप में ये कथा को व्याख्या करते हैं। फिर माँ पार्वती कथा सुनाती है, फिर शंकर जी कथा सुनते हैं। कहते माता पार्वती कितने दिन में समाप्त करती? बोले 2 साल। मतलब शंकर जी जितने सुंदर कथा को व्याख्या करते हुए बोलते हैं, जब माँ पार्वती सुनाती हैं उससे भी सुंदर रूप में ज़्यादा कथा करती हैं। देखो शंकर जी जितने सुंदर कथा करते हैं ब्रह्मा जी और विष्णु जी, कहते लक्ष्मी ब्रह्माणी और पार्वती उससे भी सुंदर कथा ये भी करते हैं, हैं ये भी कथा करते हैं। इसलिए देखो ये कथा की कितने महिमा है। ये कथा से ही ब्रह्मा जी जगत का सृष्टि करते हैं, शंकर जी जगत का संहार करते हैं, और विष्णु भी जगत का पालन कहते भगवान की कथा के द्वारा ही ये करते हैं। इसलिए ये कथा की इतने महिमा। बोले श्रीमद् भागवत कथामृतम की जय। जोर से बोलो। बोले श्रीमद् भागवत कथामृतम की जय। जय श्री राम। इसलिए भा मतलब क्या है? भा मतलब होता है प्रकाश। जिनकी प्रकाश केवल इसी मर्त्य जगत में नहीं, जिनकी प्रकाश ब्रह्मलोक में, जिनकी प्रकाश शिव लोक में, और जिनकी प्रकाश श्री वैकुंठ लोक में भी, ये भागवत की प्रकाश। देखो एक तरफ में तो, एक तरफ में क्या है ये तीन लोकों में, लेकिन दूसरे तरफ में सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, बोले स्वर्गे सत्य च कैलासे वैकुंठे नास्ते अमरस। कहते आज जो सौभाग्य हमें प्राप्त हुआ, कहते स्वर्ग में
देवता रूप में जन्म ग्रहण करने पर भी ये देव लोक का नसीब में भी ये भागवत नहीं जुटता है। इसलिए जिस समय श्री सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को ये कथा सुनाने जा रहे थे, 33 करोड़ देवता स्वर्ग से अमृत कलश लेकर के आए, बोले लो ये पूरा के पूरा ये अमृत कलश ले लो, लेकिन इसकी विनिमय में हमें ये भागवत कथा सुना दो। लेकिन सुखदेव गोस्वामी तथा देवा जहाससा, तब श्री सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, बोले को काच को मणि महान, और उदाहरण देते हैं, अगर कोई कांच की एक टुकड़ा लेकर के आए, बोले भैया ये कांच के टुकड़े तुम ले लो और तुम्हारे पास में जो मणि है ना वो मणि हमें दे दो, अब दे दोगे मणि को, तो ये स्वर्ग का अमृत को भी क्या कहते हैं, ये एक टूटे फूटे हुए कांच के टुकड़े, और ये जो श्रीमद् भागवत किया है ये एक मणि, ये एक स्पर्श मणि, क्योंकि ये जो श्रीमद् भागवत है ये भागवत नहीं, बोले तेन अयंग बांग मई मूर्ति, भगवान स्वयं कलिजुग का जीव के उद्धार करने के लिए ठाकुर जी स्वयं ये शब्द ब्रह्म रूप में, ये स्वयं भागवत रूप में ही कृष्ण जगत में अवतीर्ण हुए। इसलिए कहते हैं ये भागवत कथा स्वर्ग में देवता का भी नसीब में प्राप्त नहीं होता है, इसलिए स्वर्ग में जाओ अमृत पान करो, लेकिन अमृत पान करने से क्या होता है, तुम्हारी परमायु घटती है, खिन्ना पुण्य मर्त्य लोकम विसरती, पुण्य समाप्त होने पर देवता को फिर इस जगत में आना पड़ेगा, लेकिन कथा अमृत पान करने से पुण्य बढ़ती है। स्वर्ग का अमृत पान करने पर क्या होता है, परमायु घटती है, और कथा अमृत पान करने से क्या होता है, परमायु बढ़ती है। और भगवान की स्वर्ग अमृत पान करने के बाद क्या होता है, वहां से संसार में फिर माया में गिरोगे, लेकिन भागवत कथा अमृत पान करने के बाद भगवान का धाम में जाओगे। इसलिए कहते ये देवताओं का नसीब भी नहीं है, इसका तात्पर्य यह है जो व्यक्ति ये भागवत कथा सुनते हैं कहते ये देवताओं से भी ज्यादा पुण्यात्मा हम लोग हैं। कहते भैया स्वर्ग की बात छोड़ दो, बोले सत्य कहते ब्रह्म लोक में भी ये भागवत कथा नहीं, इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं, बोले कथा है तो वेदे भवन बिहाये, कथा है तो वेदे भवन बिहाये, बोलो पीछे पीछे, आ कथा है तो वेदे भवन बिहाये, सुनी बात सार दे आबत धारे, सुनी बात सार दे आबत धारे, आ कथा है तुम्हे दे भावना बिहारे, कथा है तुम्हे इसलिए कहती ये कथा अगर ये मर्त्य जगत में विशेष करके ये पुरुषोत्तम महीना में अगर कहीं भागवत कथा हो ना, ब्रह्मा जी ब्रह्म लोक को छोड़ करके दौड़ दौड़ करके आते हैं। हम किस चीज के लिए दौड़ दौड़ के जाते हैं, अगर कहीं ज्यादा पैसा मिले है ना, अगर एक रात में 1,00,000 रुपया प्रॉफिटी हो गया काम, पर रात सर रात सोएंगे नहीं है, अगर 1 करोड़ रुपया प्रॉफिट होगा तो सोएंगे पैर, फिर तो हम दौड़ दौड़ करके जाएंगे। कहते उसी तरह पितामह ब्रह्मा जी को पता है ये भागवत कथा में जितने लाभ प्रॉफिट है ना, और किसी चीज में इतना प्रॉफिट ही नहीं, इसलिए ब्रह्मा जी क्या करते हैं, ब्रह्म लोग कहाँ पर है, कहते भूर भुव मोह जन तप सत्य, मतलब ये ब्रह्मांड का अंतिम छोर ये सत्य लोग है। हम लोग कितना दूर से कथा सुनने के लिए आए, 1 मील दूर, 10 मील, 20 मील, 50 मील, इससे तो दूर से कोई नहीं आए ना, लेकिन ब्रह्मा जी कथा सुनने के लिए कितने दूर से आते हैं, पता नहीं करोड़ों करोड़ों मील दूर से ब्रह्मा जी अकेले नहीं, अपना ब्रह्माणी कहते अपना पत्नी को लेकर के
कथा सुनने के लिए वहां से भी आते हैं। कहते भैया ब्रह्मलोक की बात छोड़ दो, कहते ये कथा, कहते शिव लोक में भी नहीं, शिव लोक में भी ये कथा नहीं। इसलिए शंकर जी को अगर पता चले, पार्वती को अगर पता चले, तो शंकर पार्वती कैलाश छोड़ कर कथा सुनने के लिए आते हैं। कहते भैया कैलाश लोक की बात छोड़ दो, अगर गरुड़ जी को पता चले, गरुड़ जी कहाँ रहते हैं, कहते ये वैकुंठ में रहते हैं, अगर उनको अगर पता चले कहीं कथा हो रही है, गरुड़ जी ये वैकुंठ छोड़ करके आते हैं। बोले गया ओ गरुड़ जहाँ बस ए भोसोड़ा, गया ओ गरुड़ जहाँ बस ए भोसोड़ा, गया ओ देखो ये बड़ोतवासी कितने सौभाग्य बात, बड़ोत है ना, बड़ोत मतलब सबसे बड़े हैं ये, हाँ इनसे बड़े कोई नहीं, ये बड़ोत तो भी बड़े भाग्यस्थली है, क्योंकि ये गंगा सामने बह रही है, नहर रूप में गंगा स्वयं बह रही है। ये गंगा कोई साधारण स्थान, ये गंगा नहीं, ये गंगा कौन है, ठाकुर जी की ये चरणामृत, ये गंगा केवल गंगा नहीं, आपको पास में यमुना भी बह रही है। ये यमुना कौन है, कभी यमुना कोई नदी नहीं, कभी राधा कृष्ण की प्रेम जब द्रवीभूत तो है करके बहती है ना, कभी ये स्वयं श्री यमुना पटरानी, बोले श्री यमुना पटरानी की जय। इसलिए कहते ब्रह्म द्रव गात्रम, ब्रह्म ही ये द्रवीभूत तो होकर के ये यमुना नदी रूप में प्रवाहित है, और ठाकुर जी की चरणामृत ही ये गंगा रूप में प्रवाहित हो रही है। फिर यहाँ पर पांडवों का भी स्थान है, पांडव का स्थान है ना, हाँ इसलिए यहाँ पर श्री पांडव लोग जहाँ पर चले गए, जहाँ पर इनके चरण धूल पड़ गया, भगवान जिनके घर में, कहते गुढ़म परम ब्रह्म मनुष्य लिंगम, स्वयं ब्रह्म ही गुढ़ रूप में जिनके घर में निवास करते थे, जब ये सवेरे उठते थे ना, देखते थे इनके घर के सामने बड़े बड़े ऋषि, ब्रह्मर्षि देवर्षि
लाइन लगा करके सब खड़े हुए, क्यों? कृष्ण को दर्शन करने के लिए। लेकिन वो कृष्ण कहाँ पर? ये पांडवों के घर में निवास करते थे, सखा रूप में, मित्र रूप में, बंधु रूप में निवास करते हैं। इसलिए यहाँ ये स्थान श्री पांडवों का भी यहाँ पर निवास स्थली है। इसलिए ये स्थली हर तरह से ये स्थली अत्यंत अत्यंत पवित्र स्थली है, हैं? इसलिए फिर ये बड़ौदा में देखो, ये बड़ौदा वासियों का कितना सौभाग्य, देवता लोगों को, देवता लोगों को छोड़ना पड़ता है कथा सुनने के लिए, ब्रह्मा पार्वती, ब्रह्मा ब्रह्माणी को ब्रह्म लोग छोड़ना पड़ता है, शंकर पार्वती को शिव लोग छोड़ना पड़ता है, नारायण को वैकुंठ छोड़ना पड़ता है, लेकिन बड़ौदा लोगों को कुछ छोड़ना पड़ा है? घर, हमारा घर, मकान, दुकान कुछ छोड़ना पड़ा? कुछ भी छोड़ना नहीं पड़ा। ये गंगा, कथा रूपी गंगा स्वयं बहते हुए आपकी घर के सामने आ गई और आप लोग बैठ बैठ करके इसमें गोता लगा लिए। बोलो श्रीमद् भागवत कथा मृतम की, बोलो श्री बड़ौदावासी के भक्त वृंद की। इसलिए भगवान ये संसार छोड़ करके जब गए, ये कलयुग में भगवान की चार जगह पर निवास है। कितने जगह पर निवास है? चार जगह पर। कहाँ कहाँ पर? हाँ सुन लो, फिर कल आपसे पूछूंगा। पहला नंबर है ये श्रीमद् भागवत में भगवान की निवास। ये भागवत नहीं, ये साक्षात श्री बांके बिहारी, बांके बिहारी नहीं, ये जुगल सरकार है, ये श्रीमद् भागवत एक नंबर। दूसरा नंबर किया, बोले ये तुलसी है, ये इसका नाम वृंदा देवी है, इसलिए वृंदा देवी में तुलसी की निवास। बोले तीसरा कहाँ पर है? बोले जो भगवान की जो शुद्ध भक्त हैं उनकी हृदय में ठाकुर जी की निवास। बोले चौथा नंबर कहाँ पर? ये सामने जो नहर रूप में गंगा बह रही हैं, कहती है भगवान के चरणामृत है, इसलिए इनमें भी ठाकुर जी की, इनमें भी निवास। ये चार जगह पर ये भगवान की निवास है और एक ये श्रीमद् भागवत। इसलिए हमारे श्री रूप गोस्वामी कहते हैं कि जितने भक्ति का अंग है, विशेष करके पांच उसमें विशेष अंग है। कहते पांच विशेष अंगों में कोई भी एक भक्ति का अंग अगर भक्ति पूर्वक हम जाजन करेंगे ना, भगवान हमें जल्दी से जल्दी ठाकुर जी मिल जाएंगे। पांच अंग में क्या है? उसमें एक है ये श्रीमद् भागवत कथा सुनना। इसलिए श्री रूप गोस्वामी कहते हैं अगर थोड़ी सी श्रद्धा से ये भागवत कथा कोई सुन लेगा ना, उसको कृष्ण प्राप्ति हो जाए, हैं? और दूसरा साधु संग है, तीसरा भगवान के धाम में निवास है, चौथा है कहते जो ठाकुर जी को जो विग्रह है, ये ठाकुर जी की जो विग्रह है, इसलिए, और जो पंचमा है ठाकुर का नाम संकीर्तन। बोले सकल साधन श्रेष्ठ यही पंच अंग कृष्ण प्रेम उपज जहर अल्प संग। कहते अगर ये पांचों में कोई एक भक्ति का अंग अगर थोड़ी सी श्रद्धा पूर्वक कर दिया ना, भगवान मिल जाएंगे। और साक्षात रूप में ये श्रीमद् भागवत कथा को श्रवण करना, इसलिए भागवत ग्रंथ को पुराण सम्राट बताया गया। जैसे जब कोई राजा चलते हैं क्या होता है, कोई इनके सर के ऊपर छत्र धारण करते हैं, कोई उनको चामर व्यंजन करते हैं, कोई उनको पखा झुलाते हैं, कहते उसी तरह ये श्रीमद् भागवत ग्रंथ, जब ये भागवत ग्रंथ चलते हैं, जितने पुराण हैं सारे पुराण कोई सर के ऊपर उनकी छत्र चामर व्यंजन पलटते हुए श्रीमद् भागवत ग्रंथ को पीछे पीछे चलते हैं। इसलिए ये जो श्रीमद् भागवत कथा विशेष करके ये पुरुषोत्तम महीना में आप लोग जो श्रवण कर रहे हो, आप लोग बड़े सौभाग्यशाली, बड़े सौभाग्यशाली। आपको अभी पता नहीं चल रहा है, जो ऊपर जाओगे ना पता चलेगा। आप लोग गौड़ीय मठ में बैठे करके, क्योंकि जो चित्रगुप्त है ना, चित्रगुप्त मतलब क्या है, गुप्त मतलब छुपा करके, चित्र मतलब फटो, जो छुपा करके जो सारे फटो ले रहा है, वो सारे फटो हमारे ले रहे हैं। ये हमारे राधा गोविंद गौड़ीय मठ में श्री पुरुषोत्तम सामने
जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा इनके सामने बैठ करके ये जो भागवत कथा आप श्रवण कर रहे हो सारे फटो आपको जा रहा है। जब ऊपर जाओगे ना, जब कापी खोलोगे सबके सब एक एक निकलेगा, आप लोगों ने कैसे ये श्रीमद् भागवत कथा को आप लोगों ने कैसे श्रवण किया है, सबके सब आपको लिखा रहा था हैं, पुरुषोत्तम महीना में कथा सुनी। इसलिए आज हम लोग 7 दिन तक हम लोग ये श्रीमद् भागवत कथा सुनेंगे। इसलिए श्री सुखदेव गोस्वामी जब भी भागवत की महिमा को गाते हैं, बोले सचिदानंद रूपाय विश्व तपत्यादि हेतवे तापत्राय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। सर्वप्रथम उन्होंने भगवान का स्वरूप को वंदना करते हैं। बोले भगवान का स्वरूप कैसे, बोले सचिदानंद रूपाय, कहते वो सत स्वरूप, वो ज्ञान स्वरूप, वो आनंद स्वरूप। कहते सत स्वरूप का जो संधिन शक्ति के अधिष्ठात्र देवता कौन, बोले ये दाऊ भैया, ये बलदेव प्रभु। जो चीत शक्ति की, जो संबित शक्ति की जो अधिष्ठात्र देवता कौन, ये साक्षात श्री जगन्नाथ। और जो आनंद स्वरूपिणी, जो लादिनी शक्ति की जो अधिष्ठात्री देवता कौन है, बोले ये श्रीमती राधा रानी। यहाँ पर कहते हैं अगर इसे सत और अगर इसमें आनंद अगर हटा दिया जाए, वो बीच में रह जाएंगे चित, चित मतलब कृष्ण स्वरूप में। अगर इससे दाऊ भैया को, राधा रानी को हटा दिया जाए ना, वो ज्ञानियों का केवल उपास रह जाएंगे और रसिकों का उपासन नहीं रह जाएंगे। इसलिए कृष्ण तभी पूर्ण है जब उनका साथ में श्री बलदेव प्रभु, लादिनी शक्ति स्वरूपिणी श्रीमती राधा रानी हो, तभी कृष्ण पूर्ण है। राधा के बगैर कृष्ण आधा है, हैं? इसलिए यहाँ के सचिदानंद रूपाय विश्वत्पत्यादि है तवे, ये करते हैं क्या, विश्व ब्रह्मांड का सृष्टि स्थिति जो प्रय है केवल इनकी इच्छा से ही होते हैं। ऐसे जो भगवान श्री कृष्ण चंद्र, हम सब के सब उनका चरण में प्रणाम करते हैं। कहते केवल कृष्ण का चरण में नहीं, कहते श्री कृष्ण, श्री मतलब श्रीया मतलब श्रीमती राधा जी, राधा जी को साथ में हम श्री कृष्ण को प्रणाम करते हैं। बोले श्रीमती राधा रानी की जय। इसलिए राधा के बगैर कृष्ण आधा, इसलिए हमारे गोस्वामी जी कहते हैं, बोले अनाराध्य राधा पदाम भोज रेणु अनाश्रित वृंदावनम तत् अटविम असंभाष्य तद भाव गंभीरचितान कुतः श्याम सिंधु रसस्यावगाह। मतलब अगर कोई कृष्ण भक्ति को पाना चाहते हैं, कृष्ण भक्ति में सराबर होना चाहते हैं, क्या करो, श्री राधा रानी के चरणों को आश्रय ग्रहण करो। राधा रानी के चरणों को द्वारा अंकित वृंदावन धाम को और राधा जी की भक्ति रस में जो संतों लोग डूबे हुए हैं, जब तक हम उनके चरणों का आश्रय नहीं करेंगे तब तक कभी भी हमें कृष्ण भक्ति नहीं मिलेगा। इसलिए क्या कहते हैं, राधे राधे रटो चले आए के बिहारी, राधे राधे रटो चले आए के बिहारी, चले आए के बिहारी, चले आए के बिहारी, राधे 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 रटो चले आए के बिहारी, राधे राधे रटो चले आए के बिहारी, राधा रानी भोली भाली चंचल बिहारी, राधा रानी भोली भाली चंचल।
इसलिए जब श्री सुखदेव गोस्वामी श्री परीक्षित महाराज को ये भागवत कथा श्रवण कराया, ये भागवत विश्राम होते ही कहते श्री श्री परीक्षित महाराज के लिए श्री गोलोक वृंदावन से एक सुंदर विमान आया और श्री परीक्षित महाराज एक सुंदर सखी राधा जी की एक प्यारी एक सखी रूप धारण करते हुए भूर भुव मोह जन तप सत्य ये सारे लोग को पार करते हुए कहाँ चले गए? गोलोक वृंदावन। ब्रह्मा जी को बड़ा आश्चर्य लगा, बोले देखो इन्होंने तो कुछ किया ही नहीं, केवल बैठ करके कथा ही सुने और तो कुछ किया ही नहीं और सीधा गोलोक वृंदावन। तब उन्होंने एक तराजू ला करके एक तराजू की एक तरफ में ये जगत का जितने सत्कर्म हो सकता है, स्कूल खोलना, कॉलेज खोलना, अन्न छत्र खोलना, दुखी दरिद्र को दान करना, जगत में जितने सत्कर्म हैं, तराजू का एक तरफ में धर दिया और तराजू के दूसरे तरफ में जो व्यक्ति ये भागवत कथा को श्रवण करते हैं केवल उसकी महिमा को उन्होंने धरा। जिधर भागवत कथा की महिमा को धरा वो तो पत्थर के पत्थर जैसे जमा रहा, दूसरे तरफ में जितने सत्कर्म सब के सब हल्का होकर ऊपर उठ गया। मतलब श्री ब्रह्मा जी को पता चला ये भागवत को सामने आप जगत का कोई भी सत्कर्म को कभी आप बराबर नहीं कर सकते, मतलब ये भागवत कथा सुनने का जो महत्व है ये सबसे ज्यादा महत्व है, इससे और कुछ महत्व ज्यादा नहीं। इसलिए स्वयं कृष्ण कहते हैं आप पुण्य कर्म करके ब्रह्मलोक तक भी चले जाओ लेकिन पुण्य समाप्त होते फिर गिरना पड़ेगा, लेकिन जो ये भागवत कथा जो सुनते हैं भगवान को जो प्रेम भक्ति करने वाले व्यक्ति ये कभी गिरेंगे नहीं, ये कभी कहते जत गत्वा न निवर्तन्ते, जहाँ जाने से जीव कभी मर्त्य जगत में कभी इसी जगत में कभी आएगा नहीं, वो चिरकाल के लिए ठाकुर जी की चरण में निवास होगा। इसलिए भागवत को सामने जगत का कोई भी सत्कर्म का बराबर नहीं कर सकते हैं। बोले श्रीमद भागवत कथा अमृतम की, जोर से थोड़ा बोलो, बोले श्रीमद भागवत कथा अमृतम की जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। बढ़िया बढ़िया, हाँ एक भजन सुनो फटाफट। Yeah.
भारी भारी के प्याले अमृत के करती है कृपा यश भानु प्रताप।
श्री सौनकादि श्री लोग सुत गोस्वामी को प्रश्न करते हैं, कहते श्री नारद जी ब्रह्मा जी से सबसे पहले भागवत सुनी थी, लेकिन फिर उन्होंने चतुसन से ये विधि विधान पूर्वक ये फिर भागवत कथा क्यों सुने, क्योंकि जो नारद जी है और अंते जोगी बहते बाणी, ये एक जगह में कहीं टिकने वाले संत नहीं। ये संत लोग एक जगह पर कितना समय टिकते हैं, भले एक गो दोहन करने में जितने समय लगे उतना समय से कहीं टिकते नहीं ये संत, लेकिन ये सात दिन तक एक जगह में बैठ करके फिर ये कथा क्यों सुने। तब इसका श्री सुत गोस्वामी इसका उत्तर देते हैं, भले एक समय श्री नारद जी ये सारा दुनिया को भ्रमण कर रहे थे, भ्रमण करते करते उनको कोई शांति नहीं मिली, फिर उन्होंने देखा ये मर्त्य जगत भगवान की स्थान है, क्योंकि ठाकुर जी कहाँ बारंबार कहाँ जन्म लेते हैं, ये हमारी भारत भूमि, भगवान राम कृष्ण कहाँ पर जन्म हुई, क्या तो अजन्मा होते हुए भी वृंदावन में अयोध्या में ठाकुर जी जन्म हुई, जितने पुण्य तीर्थ अयोध्या मथुरा माया काशी कांची अवध्या कहाँ पर है, भारत में, विदेश में कहीं नहीं मिलेगा आपको। फिर गंगा गया प्रभास पुष्कर ये तीर्थ कहाँ पर, केदारनाथ बद्रीनाथ गंगोत्री जमुनोत्री कहाँ पर है, भारत में। इसलिए हमारा देश का नाम है भारत। भारत मतलब क्या है, भा मतलब होता है प्रकाश, रत मतलब जो भारत का लोग हर समय प्रकाश का तरफ में रहते रहते हैं, इसलिए हमारा देश का नाम श्री भारतवर्ष है, अजनब वर्ष भारतवर्ष। इसलिए श्री नारद जी इसी मरते जगत में श्री नारद जी आए, लेकिन जब मरते जगत में आए देखा ये कलिजुग, ऑलरेडी ये कलिजुग पधार चुका है, देखा सर्वत्र ये कली का प्रभाव, उन्होंने देखा जितने धर्म स्थान को ये सारे मुसलमान लोग, जैसे हमारे जन्म स्थान है ये मुसलमान अपना मस्जिद बना दिया, जैसे अयोध्या
मस्जिद बना दिया काशी विश्वनाथ। देखा ये मुसलमान लोग सबके सब स्थान को अपना प्रभाव से विस्तार करके बैठे हुए हैं, तीर्थ स्थान। और उन्होंने साधु संतों का आश्रम भी देखा। देखा कलयुग में जो शुद्ध साधु भी जगत में बड़ा दुर्लभ है। जब उन्होंने गृहस्थ को घर में गए वहाँ पर भी देखा, वहाँ पर भी कहीं शांति सुख नहीं है, वहाँ भी अशांति अशांति है। सारा दुनिया में उन्होंने अशांति अशांति देखा, लेकिन सोचा एक बार हम वृंदावन धाम चलते हैं। वृंदावन धाम तो श्री ठाकुर जी का स्थान है। ये वृंदावन है क्या चीज? बोले वृंदावन, वृंदा मतलब तुलसी, वन मतलब जहाँ तुलसी का वन। वृंदा राधा जी का एक नाम वृंदा है, और ये वन मतलब जो राधा रानी की ही वन है। इसलिए स्वयं राधा रानी कृष्ण सेवा के लिए अपना हृदय को उसने बिछा करके ये वृंदावन धाम का स्वरूप दिया। इसलिए ब्रह्मा जी कहते हैं, बोले चिंता मणि प्रकर सद्म सुकल्प वृक्ष लख्या वृतसो सुरभि रभिपालयंतम लक्ष्मी सहस्र सतसम ब्रह्मसे बमानम गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। कहते जो वृंदावन धाम है, कहते यहाँ पर जो भूमि चिंतामणि वृक्ष सारे कल्प वृक्ष, जो पानी त्वयम अमृतम, अगर कोई वृंदावन धाम में चलता है लगता है बड़ा सुंदर नृत्य कर रहा है, अगर कुछ बोलते हैं ऐसे लगता है बड़ी सुंदर भजन गा रहे हैं। इसलिए बोले वृंदावन के वृक्ष को मर्म ना जाने कोई, डाल डाल और बात बात में श्री राधे राधे होई। बोले श्रीमती राधा रानी की जय। इसलिए उन्होंने सोचा चलो एक बार श्री वृंदावन धाम में जा करके देखते हैं। तब उन्होंने भ्रमण करते करते जब श्री वृंदावन धाम में आए, जमुना किनारा में एक अद्भुत दृश्य देखा। क्या देखा? एक सुंदर युवती बैठी हुई, उनकी दोनों बगल में दो वृद्ध लेटे हुए हैं, कुछ सखियां उनको चामर व्यंजन और उनको सेवा कर रही थी। इतने में नारद जी जब वहाँ पर गए, सोच रहे थे वृंदावन धाम यहाँ पर कहीं सत्संग होता होगा, लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए, लेकिन वहाँ देखा सत्संग नहीं, वहाँ तो रोना धना है। संतों का रोना धना से क्या मतलब? फिर नारद जी वहाँ से भागे हैं। जब नारद जी वहाँ से भाग रहे थे, वो जो बीच में एक सुंदरी देवी बैठी हुई थी, बोले भो भो साधु क्षणम तिष्ठ मत चिंता अपिनाशय दर्शनम तव लोकस्य सर्वथा अगहरम पर। भले साधु बाबा थोड़ी सी रुक जाओ, क्योंकि जीवन में जो साधु संतों का जो दर्शन, सहज में संत दर्शन नहीं होता है। अगर जीवन में एक बार अगर संत दर्शन हो जाए आपको, क्या समझो हमारी संसार का सारे दुख हमारी समाप्त हो गया। इसलिए जब विभीषण को पता चला हनुमान जी कौन है, राम के सबसे प्रिय भक्त हैं, तब विभीषण क्या कहता है, आज मैं भा भरस हनुमंता बिनु हरि कृपा बिना मिले नहीं संता, जो रघुबरी महे अनुग्रह किनी तो मई दरस अटिदिनी। लगता है आज मेरे ऊपर में प्रभु राम की कोई कृपा हो गई, तब आज आपका हमें दर्शन मिला है, लगता है हमारे सारे दुख कष्ट समाप्त तो हो गया। थोड़ी सी रुक जाओ, तब नारद जी रुक गए, बोले आप कौन हो? बोले आप मेरे को नहीं जानते हो, मैंने लगता है तो कहीं देखा लेकिन याद नहीं आ रहा है। वो कहती हैं बोले अहम भक्ति नीति ख्याता इमो में तनो मतो। कहते मेरी नाम है भक्ति है, ख्याता मतलब जगत में भक्ति की बड़ी महिमा है जगत में, और ये जो दोनों बच्चे हैं ना ये मेरे बेटे हैं, एक ज्ञान और एक वैराग्य। बोले नारद दुनिया में नियम क्या है, माँ होती है वृद्धा, बच्चे होते हैं जवान, लेकिन मेरी दुख की बात देखो तो मैं माँ होकर के मैं तो जवान ही हूँ, लेकिन मेरे बेटे अभी दोनों वृद्ध हो गए हैं, मेरे दोनों बेटे वृद्ध हो गए। बोले ऐसे कैसे हुआ? बोले उत्पन्ना द्रविड़े साहम, मेरी जन्म तो द्रविड़ देश में हुई। बोले वृद्धि कर्नाटके गता,
कर्नाटक में जाकर बड़ी हुई, मतलब है वहाँ पर भी कुछ भक्ति करने वाले लोग दिखे। बोले क्वचित क्वचित महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में भी कहीं कहीं मुझे आदर मिली, लेकिन जब गुजरात में आई जिरनाताम गता, यहाँ पर मैंने बुरी हो गई। मतलब है ये गुजरात पहले अत्यंत अत्यंत नास्तिक देश ये गुजरात था, कहीं भी भगवान की भक्ति भजन नहीं होता था। अगर कोई चोटी कंठी तिलकधारी अगर पहुंच गए ना, ये चोटी को देख करके बोलते बाबा क्या एरियाल है तुम्हारी, अगर कोई तिलक लगा लिए कल बगुला कोई टाटी कर दिया है, गले में कंठी पहन लिए बोले लकड़ी क्यों पहन लिए तुम, जब तक उसको देश से बाहर नहीं निकाल देते थे वो संतों को पीछे छोड़ते नहीं। बोले ऐसे नास्तिक था ये गुजरात, लेकिन अभी गुजरात देखो ना सबसे अगर समृद्धशाली देश, कहीं अगर सबसे ज़्यादा भक्ति होते हुए देखोगे ना सबसे ज़्यादा पैसे वाला लोगों देखो गुजरात में। बोले क्यों, कारण है वहाँ पर बड़े बड़े संत लोग जन्म हुए, तुकाराम जन्म हुए, नरसिंह भगत जन्म हुए, बल्लभाचार्य जन्म हुए, विठलनाथ जन्म हुए, बड़े बड़े संत लोग वहाँ पर जन्म हुए। जहाँ पर एक संत प्रकट होता है, हमारे शास्त्र में बताए तहार प्रभाव कोटि जो जन निस्तारे, जब अपना प्रेम भरी दृष्टि से जब उन्हें चारी तरफ को देखते हैं सब जगत पवित्र हो जाता है। जब हाथ उठा करके नृत्य करते हैं स्वर्ग लोक में देवता का कल्याण होता है, जब उनकी चरण स्पर्श पृथ्वी प्राप्त करती हैं अपना जीवन को धन्य धन्य मानती हैं। एक संत जन्म लेने पर इतने लाभ है, इतने लाभ एक भगवान की भक्त अगर कहीं जन्म हो जाए, और वहाँ पर बड़े बड़े संत लोग जन्म हुए हैं। हैं एक समय एक संत कथा सुना रहे थे, देखो ध्यान देखो सुनो, संत जीवित अवस्था में तो कल्याणदायी है, अगर उनका कहीं दाह संस्कार किया जाए ना वो भी कल्याणदायी। एक समय कोई जंगल में कोई भूत लोग रहते थे और एक संत को वहाँ पर दाह संस्कार की तो जलने के बाद शरीर से धुआं निकल दिए ना, क्या हुआ एक भूत कहीं वो जंगल से बाहर गया हुआ था, वहाँ पर जब दाह संस्कार की गई उसकी धुआं जब चार तरफ में गया पूरा जंगल में जितने भूत थे सब उधार, संतों की जलने का धुआं से सब उधार हो गए। जब वो भूत एक कहीं बाहर गया था जब आकर के देखा उसका परिवार कोई है नहीं, बोले भैया मेरे परिवार कहाँ गए, पता चला कोई एक संत को यहाँ पर दाह संस्कार की गई, उसकी शरीर का जो धुआं निकले ना उसी से ही संतों का उसी से ही भूतों का कल्याण हो गया। बोले भैया मैं तो अकेला रह गया मेरा कल्याण कैसे होगा, जहाँ पर उनको शरीर को दाह संस्कार की गई थी वो जो राख था उसने राख के ऊपर लौट पट उठाने लग गया, ए संतों का राख लगते ही उसको भी भगवत धाम की प्राप्त हो गई। बोले श्री संत भगवान की जय जय श्री राम। इतने संतों जन्म लेने का इतने महत्व है, इसलिए कहते जब मैं वृंदावन में आई ना, बोले वृंदावन की प्रभाव से तरुणी नवा मैं एकदम जवानी हो गई। बोले क्यों, बोले भक्तिर नृत्य जत्र, जहाँ पर भक्ति देवी नृत्य करती हैं से वृंदावन धाम में, हैं वृंदावन धाम में, इसलिए भजन गाते हैं मन चल रे वृंदावन धाम श्री राधे राधे गाएंगे, मन चल रे वृंदावन धाम कहते वृंदावन में आ करके मैं तो तरुणी हो गई, लेकिन मेरे जो दो बेटे थे ना वो ज्ञान वैराग्य वृद्ध हो गए। बोले वृद्ध क्यों हो गए, बोले कारण ही
वृंदावन धाम में ये ज्ञान वैराग्य को कोई चाहते नहीं हैं। यहाँ पर तो ज्ञान, एक स्थान का नाम ज्ञान गुदड़ी, उस स्थान का नाम है, बोले जहाँ पर ज्ञान आकर के हैं, कहते जहाँ जहाँ प्रेम की ढोल, क्या क्या प्यार है, हाँ उद्ध शुद्ध है गयो सुनी गोपियों की ज्ञान, और ज्ञान बजाए डुगडुगी बाजे प्रेम की ढोल, जहाँ पर प्रेम की जहाँ पर ढोल बजती है, इसलिए ज्ञान गुदड़ी एक स्थान है। और यहाँ पर कोई वैराग्य नहीं करते हैं वृंदावन धाम में, कृष्ण के सखा सखियों को देखो बढ़िया बढ़िया कपड़ा पहनते हैं, हैं क्यों, ठाकुर जी देख कर खुश होंगे और बढ़िया बढ़िया ठाकुर जी को भोग लगा करके चकाचक प्रसाद पाते हैं, क्यों, कृष्ण को रिझाने के लिए। इसलिए यहाँ ज्ञान वैराग्य आकर के बूढ़े हो गए, लेकिन भक्ति देवी आकर के यहाँ पर जवानी बन गई। इतने में भक्ति देवी बोले नारद जी मेरे बच्चों को अगर तुम जवानी बना दिया ना, तुम्हारे हृदय छोड़कर मैं कहीं नहीं जाऊंगी, बोले कोई चिंता मत करो। तब उन्होंने उनको कानों में वेद पुराण उपनिषद जितने सारे शास्त्र को एकाएक करके बोलते रहे, लेकिन जब उन्होंने भगवद गीता सुनाए उनको थोड़ी सी होश आया, थोड़ी सी आग खुले, कोशिश किए बैठने के लिए, जब गीता समाप्त तो हो गया धड़ांग करके गिरे। नारद जी ने देखा ये गीता क्या है, बोले जा स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्मम विनिर्सित, ये ठाकुर जी की मुख निश्रित वाणी ये भगवत गीता, बोले ये गीता सुन करके भी ज्ञान नहीं हुई, बड़ा आश्चर्य लगा हैं, बड़ा आश्चर्य लगा उनको, बोले गीता सुन करके ज्ञान क्यों नहीं हुआ, कारण है उसमें 18 अध्याय है, 6 अध्याय तो जिसमें कर्म, बीच में 6 अध्याय भक्ति और 6 अध्याय ज्ञान, इसलिए जिसमें ज्ञान कर्म मिश्रा भक्ति, जिसमें शुद्ध भक्ति की निरूपण नहीं, और जिसमें भगवान की सुंदर सुंदर लीला कथा नहीं, जिसमें ज्ञान की बात है, जिसमें भगवान की कथा और संतों की कथा होना, वो रसमय ग्रंथ है, और ये श्रीमद् भागवत ग्रंथ है, वो ग्रंथ ये श्रीमद् भागवत वे ग्रंथ है। इसलिए श्री नारद जी सर्वत्र जा जा करके प्रश्न किया, लेकिन कोई भी सही उत्तर नहीं दे सके, लेकिन जब चतुसन से जा करके मिले, बोले नारद क्या तुम भूल गए हो, जिस समय व्यास देव ने सारे शास्त्र रचना करने का बावजूद भी शांति नहीं मिली, तुम ही तो बताया था जे ये श्रीमद् भागवत कथा रचना करो, क्या भूल गए हो। तब नारद जी प्रश्न करते हैं, बोले इनको जब वेद पुराण उपनिषद सब कुछ सुनाई दी गई, कहती भागवत है क्या चीज, बोले अर्थायम ब्रह्म सूत्राणाम भारतार्थ विनिर्णय गायत्री भास रूप सो वेदार्थ परिवर्णित। ये भागवत क्या है, जितने वेद पुराण उपनिषद इसका सार ये भागवत है, कदी ये सारे ग्रंथ तो हमने सुना दिया फिर इनको ज्ञान नहीं किया, क्यों नहीं हुआ। तब उन्होंने 2 उदाहरण देकर समझाए, जैसे आपको अभी पूड़ी बनानी है, आपने बोले भैया घी ले आओ पूड़ी बनाएंगे, लेकिन किसी ने क्या किया, आपको 20 किलो दूध ला कर रख दिया, बोले लो पूड़ी बनाओ, बोले भैया पूड़ी बनानी, बोले इसमें तो पूड़ी इसमें तो घी है ना, बोले भैया घी तो है दूध में, लेकिन जो घी में जो काम होगा ये दूध में थोड़ी होगा, जैसे भी दूध में घी है, लेकिन पूड़ी बनाना अभी आप दूध ला कर रख दिए हैं। कहते उसी तरह दूसरा उदाहरण दिया, जैसे आम का फल है, अगर आपका आम का रस लेना आस्वादन करना, कोई अगर आम का पत्ते अगर टहनिया ला करके दे दे, अगर उसको चिबाओ तो आम का टेस्ट मिलेगा नहीं, क्योंकि यद्यपि आम का वृक्ष का फल ही ये आम है, लेकिन ये आम में जो रस है ना वो टहनिया पत्ते में वो रस नहीं। उसी तरह कहते निगम कल्प तरूर गलितम फलम, कहते ये जो श्रीमद् भागवत ग्रंथ है, कहते ये वेद रूपी कल्प वृक्ष का ये फल श्रीमद् भागवत, मतलब है कहते ये भागवत में जो रस है ना, कहते और किसी ग्रंथ में भी वो रस नहीं, जो रस ये श्रीमद् भागवत ग्रंथ में जो रस है, इनको श्रीमद् भागवत कथा सुनाओ। बोले आप जैसे वक्ता कहाँ मिलेंगे,
आप ही सुना दो। बोले कहाँ सुनाएंगे? बोले श्री हरिद्वार में आनंद नाम का घाट में कथा सुनाओ, क्योंकि जो हरिद्वार ऐसे के स्थान है आनंद नाम का घाट कहते श्री यमुना किनारा में, जहाँ पर गंगा किनारा में जहाँ गंगा बह रही है, प्रशस्त स्थान बड़े सुंदर, वहाँ जाने पर हिंस्र जंतु भी अपना हिंस्रता को भूल जाते हैं, वहीं पर ये भागवत कथा सुनाओ। बोले भैया वहाँ क्यों सुनाएंगे? बोले एक तरफ में उत्तरांचल, दूसरे तरफ में उत्तर प्रदेश, कहते तो उत्तरांचल में संत रहते हैं और उत्तर प्रदेश में गृहस्थ लोग रहते हैं, जैसे दिल्ली में दिया जलाओ वो दोनों तरफ में आलोक देता है, ऐसे जगह पर कथा हो जो गृहस्थी और त्यागी दोनों ही जिसका आनंद को ले सके। अभी ये खबर सारा दुनिया में फैल गया, फैलते ही कहते सर्वप्रथम कथा सुनने के लिए कौन आए? बोले वैष्णव, क्योंकि जो श्रीमद् भागवत है, बोले जत वैष्णव नाम धनम, ये वैष्णव का धन ये भागवत ग्रंथ है। पहले तो वैष्णव लोक आए, ब्रह्म लोक से, भूर भुव मोह जन तप लोक से, सारे को सारे देवा देवी ऋषि मुनि सबके सब कथा सुनने के लिए आए। अयोध्या मथुरा माया काशी कांची अवंतिया गंगा जमुना सरस्वती मूर्तिमान रूप में आए, और जितने दंडकारण्य वन थे वो सबके सब आए, ऋषि मुनि सब आए, सबके सब कथा में बैठ करके रस लिए। देखो इसका तात्पर्य है, जहाँ पर ये भागवत कथा होती है ना, आप लोग ये मत समझ हम ही कथा सुन रहे, नहीं कहते एक समय कहीं कथा हो रही थी, कोई सचमुच से कोई एक शुद्ध संत वहाँ पर कथा सुनने के लिए बैठे तो वहाँ पर टेंट लगा हुआ था, उन्होंने देखा हजार हजार देवा देवी ऋषि मुनि एकदम खचाखच भरा हुआ उसका अंदर में, सारे ऋषि मुनि बैठे हुए अंदर में भागवत कथा सुन रहे थे, सबके सब देवा देवी। इसलिए जहाँ कथा हो बल्कि सर्वाणी तीर्थानी बसंती तथा यथाच्युतादर कथा प्रसंग, जहाँ पर भगवान की कथा हो सारे देवा देवी ऋषि मुनि सबके सब कथा सुनते हैं, और जो कथा सुनते हैं समझो बैठी बैठी करके क्या होता है, पृथ्वी का जितने सारे तीर्थ है आपको पता है दुनिया में कितना तीर्थ है? बोले 6 अरब। कितने हैं? 6 अरब। 6 अरब कितना होता है? 100 करोड़। 1 करोड़, 100 करोड़ में 1 अरब और 6 अरब। कहते अगर कोई 600 करोड़ अगर कोई कथा भागवत कथा सुन लिया तो समझो 600 करोड़ हैं। कहते 600 करोड़ तीर्थ में सबके सब गोता लगा लिया, स्नान कर लिया, इतना महत्व भागवत कथा की। बोले श्रीमद् भागवत कथा अमृतम की जय, जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। जब श्री चत और जो नहीं आए ना, कभी अगस्त ऋषि घर घर में गए, घर घर में गए, बोले तुमको पता है भागवत कथा हो रही है? बोले कहाँ? बोले हरिद्वार में कथा हो रही, चलो कथा सुनने के लिए। जो नहीं आए ना, उन्होंने घर घर में अगस्त ऋषि जा करके सबको लेकर कथा सुनने के लिए। बोले क्यों? बोले दुर्लभ एवं कथा लोके, इसी जगत में ये भागवत कथा दुर्लभ है, कोटि जन्म समुत्थेना, करोड़ों जन्म का कोई पुण्य उदय हो तभी ये भागवत कथा सुनने की किसकी सौभाग्य उदय होता है, बहु भाग्य जन्म उदय न, बड़े भाग्य की जन्म उदय होने पर तभी ये कथा सुनने को मिल। चलो सबके सब कथा सुनने के लिए हैं, सबके सब कथा सुनने के लिए आई। अभी जब कथा प्रारंभ होने जा रही थी, स्वयं भक्ति देवी अपना दोनों बच्चे ज्ञान वैराग्य को लेकर के आए। बोले हमें भी तो कहीं स्थान दो। बोले यहाँ जितने श्रोता बैठे हुए ना, इनका हृदय में भी आपका स्थान है। कहते ये भक्ति देवी कौन है? बोले भक्ति देवी ये श्रीमती राधा रानी। जो व्यक्ति ये भागवत कथा सुनते हैं उनके हृदय में श्री भक्ति देवी की राधा रानी की अधिष्ठात्री हो जाती हैं। अगर किसके हृदय में राधा रानी अगर बैठी गई तो फिर तो आनंद ही आनंद है, आनंद ही आनंद, सबके सब प्रेम में एकदम डूब गए, सबके सब प्रेम में। और जितने स्वर्ग में देवता लोग थे, सारे देवता लोग स्वर्ग लोगों से पारिजात के पुष्पों को लेकर बौछार की, दुंदुभी नागाड़े बजाए और भागवत कथा की जयकार दिए।
बोले श्रीमद् भागवत कथामृतम की जय। जोर से बोला सारे देवता लोग जयकार दे रहे। बोले श्रीमद् भागवत कथामृतम की जय। बोले सदा सेव्याम सदा सेव्याम श्रीमती भागवती वार्ता जस्या श्रवण मात्रेण हरिश्चितं समाश्रयेत। बोले भागवत को हर समय सुननी चाहिए। जो व्यक्ति ये भागवत कथा सुनते हैं उसके हृदय में ठाकुर जी की निवास हो जाता है, ठाकुर जी उसके हृदय में बैठ जाते हैं। इसका मतलब है जहाँ पर ये भागवत कथा हो ना, देवता लोग भी खुश हो जाते हैं। बोले भागवत कथा हो रही है, बड़े भाग्य से ये कथा सुनने को बड़े भाग्य से मिलते हैं। इसलिए जब ये भागवत कथा हुई, ये भागवत कथा के इतने प्रभाव था, इतने ये भागवत कथा के प्रभाव था, भागवत कथा की प्रभाव से गोलोक वृंदावन से श्री जुगल सरकार स्वयं प्रकट हो गए। अपना सखा सखियों के साथ में वहाँ पर श्री सुखदेव गोस्वामी प्रकट हुए। सुखदेव गोस्वामी बड़े सुंदर नृत्य कर रहे थे और से अर्जुन उद्धव जी कोई करताल कोई मजीरा लेकर प्रकट हुए और बड़े सुंदर वहाँ पर भजन हो रहा था। और सब के सब भजन का आनंद से सब के सब नृत्य कीर्तन कर रहे थे। कहते भागवत का फल क्या है? बोले भागवत जहाँ पर हो ना, साक्षात ठाकुर जी वहाँ प्रकट हो जाते हैं, सुखदेव गोस्वामी प्रकट हो जाते हैं। बोले गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा हरि गोविंद जय जय राधा हरि गोविंद जय जय बोले गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रानी के जय महारानी के जय राधा रानी के जय गिरिधारी की जय वन पारु की जय गिरिधारी की जय कथा के प्रभाव से कहते वहाँ पर जितने पशु पक्षी कीड़े मकड़ थे सबको उद्धार हो गया। इसको देख करके श्री नारद जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। बोले कीड़े मकोड़े तक भी उद्धार हो गया। तब उन्होंने प्रश्न किया, अगर कोई प्रेत जनी में पड़ा हुआ हो उसकी किसी तरह से उद्धार नहीं हो रहा है, बड़ा कष्ट वो कर रहा है, प्रेत जन्म बड़ा कष्ट जीवन है, इसलिए कभी आत्महत्या नहीं करनी चाहिए। कहते अगर पानी पीने के लिए जाए ना, वो पानी भी सूख जाती है। कहीं अगर खाना देखे खाना के लिए जाए वो खाना भी अंतर्ध्यान हो जाती है। किसी पेड़ के ऊपर बैठे वो पेड़ टूट जाती है, हाहाकार करते हुए घूमती रहती है। इसलिए कभी भी जीवन में आत्महत्या नहीं करनी चाहिए, बड़ा कष्ट जीवन इनका जीवन है। इसलिए कहते अगर कोई प्रेत जन में पड़ा हुआ हो किसी तरह से उसकी मुक्ति नहीं हो रही है, क्या उसको भी कथा से उद्धार होगा? फिर उन्होंने गोकर्ण आत्मदेव की उन्होंने कथा सुनाए। कैसे श्री आत्मदेव नाम के ब्राह्मण रहते थे, घर में सारे सुख, घर में लोग क्या चाहते हैं, कोई अच्छे कुल में जन्म हो जाए, ब्राह्मण घर में जन्म हुए। क्या चाहते, सुंदर शरीर हो। बोले द्वितीय इव भास्कर, द्वितीय सूरज जैसे। उसके बाद में क्या चाहते हैं, घर में रुपया पैसा भी हो, रुपया पैसा कोई सीमा नहीं। फिर क्या चाहते हैं, ये चाहते हैं विद्या भी अच्छा हो। बोले स्रोत स्मारते सुनिस्नातो, बोले हर तरह से उसको घर में पूर्ण था, लेकिन अशांत है। कारण क्या है, घर में कोई संतान ही नहीं, इसलिए बड़ा दुखी है। इसलिए पूर्वज जब कोई पिंड दे तो वो जैसे उनको लगता है कोई गर्मी चीज जैसे दे रहे हैं, वो बड़े दुखी थे। बोले क्यों? बोले भविष्य में पिंड हमें कौन प्रदान करेगा। फिर घर में कोई फल है वो फल सड़ जाती है, घर में कोई पेड़ लगाए उसमें फल नहीं होता है, इसलिए सब जगह में अमंगल अमंगल उसको दिखता था। एक दिन बड़े दुखी हो गया, दुखी होकर के उसने
आत्महत्या करने के लिए गया। जब भगवान किसको पर कृपा करते हैं, साधु संत रूप में, नहीं तो उसको किसी ब्राह्मण रूप में आते हैं। मानो आज स्वयं ठाकुर जी संत रूप में उसको पर में कृपा करने के लिए आए। बोले बेटा क्यों रो रहे हो? बोले घर में संतान नहीं। बोले तुमने सगर महाराज का नाम सुने? बोले हाँ। बोले बताओ तो कितने संतान थे? बोले 10,000। बोले सुख मिला क्या? बोले चित्रकेतु महाराज का नाम सुने? बोले हाँ। बोले कितना पत्नी थी? बोले 1 करोड़। संतान नहीं था, संतान एक हुआ तो उनको उनको जान से खत्म कर दिए, उनको शांति मिला। बेटा संतान से सुखी नहीं, सुखी भक्ति से होता है, सुखी भगवान के भजन से। अगर घर में बच्चा नहीं, लड्डू गोपाल को अपना बच्चा मान लो, ठाकुर जी को बच्चा मान लो, हैं? अगर ठाकुर जी को बच्चा मानोगे तो ऐसे बच्चा दुनिया में कहीं होगा? ये सही घटना है। वृंदावन में कोई एक वृद्ध माता थी, उसने लड्डू गोपाल की जिंदगी भर उसने सेवा की, लेकिन सेवा करते करते वृद्धा हो गई। उसने तो सारा जीवन लड्डू गोपाल की सेवा की बेटे रूप में, अब ये वृद्धा हो गई, उनको सेवा कौन करेगा? लड्डू गोपाल स्वयं सेवा करते थे, वृंदावन की कथा है। ठाकुर जी मार्केट लाते थे, ठाकुर जी पानी भर कर लाते थे, ठाकुर जी स्वयं अपना हाथ से रोसी बनाते थे, ठाकुर जी उसका घर को साफ सुथरा ठाकुर जी स्वयं करते थे। इसलिए हमारे विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं, जो जिंदगी भर ठाकुर को सेवा करेगा ना, जिंदगी भर अपना मन प्राण से ठाकुर को सेवा करो, जब वृद्ध हो जाएगा उनको सेवा कौन करेगा? ठाकुर को सेवा तो उसने की, ठाकुर कहते तो मैं सेवा करूंगा, क्योंकि उसने तो जिंदगी भर मेरी सेवा की है, उसकी सेवा कौन करेगा? ठाकुर स्वयं करेंगे। इसलिए बोले देखो ठाकुर जी को अपना बेटा मानो, ठाकुर जी से बेटा दुनिया में कोई होगा? हमारे बंगाल में एक ठाकुर जी है, हैं? ठाकुर जी एक है, क्या हुआ, उसने पति पत्नी उनका के बेटा था तो क्या उनको बेटा कम उम्र में बेटा शरीर छोड़ दिया, उसकी पत्नी भी शरीर छोड़ दी। जब पत्नी शरीर छोड़ दी, इतने में अभी अकेला उसको ठाकुर को सारे सेवा करना पड़ता है, हैं? अकेला सेवा करना पड़ता है। अभी कभी सेवा में थोड़ी कमी हो गई, ठाकुर ने कहा तो मेरी सेवा नहीं की। बोले मैं सेवा की अकेले क्या करूँगा, तू लिया तो मेरे बेटे को तुमने ले लिया, तुमने मेरे पत्नी को ले लिया, अकेला मैं कितना सेवा करूँगा? अभी भविष्य में मेरे को पिंड कौन देगा? ठाकुर जी कहते मैं तुम्हें। अब ठाकुर जी का अपना उनका गर्दन देखा ना, इसे टेढ़ा, ठाकुर जी से टेढ़े रूप में ठाकुर जी दर्शन कर रहे हैं, ठाकुर जी टेढ़े रूप में, अभी भी उनका जो पिंड स्वयं ठाकुर जी, उनका पिंड ठाकुर जी प्रदान करते हैं, भगवान स्वयं करते हैं, कृष्णा हैं, लड्डू गोपाल जी। इसलिए उन्होंने समझा है, लेकिन उन्होंने समझा नहीं, बोले नहीं हमें तो संतान चाहिए। तब उन्होंने बोले ठीक है, जब सुनेगा नहीं, बोले 7 जन्म तक तो तुम्हारी बेटा नहीं ऐसे दिख रहा है। बोले 7 जन्म तक नहीं, फिर तो चरण पकड़ लिए, बोले मेरे को तो के बेटा देना ही पड़ेगा। तब तो उन्होंने पेड़ से फल लेकर के दे दिया, बोले मंत्र पूत करके इसको अपना पत्नी को खिला देना और बोलना गीता भागवत सुने, बड़ा सुंदर है कि बेटा जन्म लेगा। बड़े खुश होकर के पत्नी को दिया, लेकिन पत्नी तो धुंधली, धुंधली मतलब क्या, अंधकार, अज्ञान है वो, कहाँ संतों की वस्तु को कहाँ स्वीकार करती हैं, बड़ी दुखी हो गई। उसकी बहनी आई, बोले क्या बात? बोले ऐसे ऐसे बात है। बोले चिंता मत करो, तेरे पति पास में पैसा, मेरे पति पास में पैसा नहीं, मेरे पति को ज़्यादा थोड़ा पैसा दे दो, पेट में कपड़ा बांध करके सोते रहो, मेरा बेटा होगा ना तेरे घर में दे जाऊँगा। उसने ठीक ऐसे कर दिया, हैं? उसने ठीक ऐसे कर दिया उसने, और तो पंडित तो बड़ा खुश है, घर में लाला भयो है, लेकिन उसको परीक्षा करने के लिए गैया को दे दिया, जो गैया कभी संतान नहीं देता था, संतों का दिया हुआ वस्तु कभी व्यर्थ नहीं जाएगा। उसने बड़ा सुंदर बालक जन्म दिया, सारा शरीर इंसान जैसे और केवल कान गोकर्ण जैसे, इसलिए नामकरण संस्कार हुआ तो एक का नाम तो गोकर्ण रख दिया, दूसरा का नाम रख दिया धुंधुकारी। सचमुच से जो धुंधुकारी इतने दुष्ट बदमाश ही बना, और गोकर्ण संतों का दिया हुआ बड़ा ज्ञानी पंडित बना। इतने में जो धुंधुकारी ने देखो, बेटा नहीं होने पर एक दुख है, लेकिन अगर बेटा होकर बात नहीं सुनता ना, उसमें डबल दुख है, उसमें डबल दुख है। इसलिए अभी बेटा इतने गंदा काम करता है, शाम होते ही 10-20 शिकायत, तेरा बेटा ऐसे कर दिया, यहाँ पर आग लगा दी, यहाँ पर चोरी की, वहाँ पर उल्टा पुल्टा किया। बड़े दुखी हो गए, दुखी होकर के अपना बेटा गोकर्ण के पास में आए, गोकर्ण दिव्य ज्ञान दिया, बोले पिताजी
स्वर्ग का इंद्र भी सुखी नहीं, पृथ्वी का चक्रवर्ती भी सुखी नहीं, सुखी तो वही जो ठाकुर जी की भजन करते हैं, भक्ति करते हैं। इसलिए पिताजी ये सारे अज्ञान अंधकार को त्याग दो, त्याग दे करके संतों को चरण में जा करके भगवान की भक्ति करो, भक्ति में ही शांति सुख है। वो तो चले गए, घर में माँ बेटे रह गए, माँ को तो खूब सताया, बोलो कहाँ पर पिताजी पैसा रखे, बड़ा दुख सताए। उसने भी कुएं में छलांग लगाकर प्राण त्याग दी, छः छः बेस्या को बुला दी, कोई कहता है साड़ी दो, कोई कहते कपड़े दो, कोई कहते गहना दो, उसने डाकू डार के लिए पैसा लाए। उन्होंने देखा अगर पकड़े गए तो हमें भी जेल में बंद हो जाएंगे हम सब के सब। रहता रात पकड़ करके बुरी तरह से मार करके गाड़ दिया, प्रेतात्मा बन गया। जब गोकर्ण आया देखा घर में, भैया प्रेतात्मा बना हुआ है, बोले तेरे नाम पर गया मैं भी पिंड दिया। बोले भैया मैंने इतना पाप किया, ये पिंड से मेरे कल्याण नहीं होगा। जब सूर्य देवता को प्रश्न की, बोले ये श्रीमद् भागवत कथा सुनाओ। फिर उन्होंने भागवत कथा सुनाई, सात दिन में सात गांठ का बांस काट दिया, सात दिन में सात गांठ फट करके वैकुंठ से रथ आया। जब बड़ा सुंदर विष्णु दूत का रूप धारण करते हुए रथ में जब जाना चाह रहा था, इतने में गोकर्ण प्रश्न कर रहा है, बोले यहाँ पर तो इतने लोग बैठे हुए, अब एक ही विमान क्यों लाए, सभी के लिए क्यों नहीं लाए। बोले कारण है, देखो उन्होंने चार दोष बताए। भागवत कथा अगर मन ध्यान से सुना, फिर भागवत से जो मांगोगे सो मिलेगा हैं। जब एक मृत व्यक्ति प्रेतात्मा होकर के जब वैकुंठ जा सकते हैं, हम तो इंसान हैं, क्या हमें ठाकुर को प्राप्त नहीं होगा? होगा, लेकिन कथा कैसे सुननी चाहिए, देखो ध्यान देकर सुनो। बोले चार नियम कथा सुनने का। बोले देखो क्या नियम, बोले विश्वास गुरु वाक्य सो, दूसरा स्वस्मिन दिनत्व भावनम, तीसरा मन दोष जय शेषाम, चौथा कथायाम निश्चला मति। यदि ये चार नियम का पालन करते हुए कथा सुनेंगे ना, आपको सब कुछ भागवत से ही मिलेगा। पहला नंबर क्या है, बोले विश्वास गुरु वाक्य सो। पहला नंबर है गुरु जी के वाक्य के ऊपर में सबसे पहले विश्वास करो। इसलिए गुरु मुख पद्म वाक्य चित्ते ते करिया ऐक आर ना करिय मने आस। गुरु जी के वाक्य के ऊपर में सबसे पहले विश्वास गुरु वाक्य में करो। दूसरा बोले स्वस्मिन दिनत्व भावना, दीनहीन होकर के कथा सुनो। महाप्रभु बोले ना त्रिनादपि सुनि चेन तररपि सही सुनना, त्रिण से भी ज्यादा दीनहीन बन करके, पेड़ से भी ज्यादा सही सुनो होकर के सबका सम्मान दो, कभी अपना सम्मान सम्मान की भूखे मत रहो हैं। दूसरा क्या है, मन दोष जयस्ते साम, कथा सुनते समय ये मन को एकाग्र करते हुए कथा को सुननी चाहिए, एकाग्र करते हुए। इसलिए विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं भक्ति में पांच दोष आ जाती हैं। पहला नंबर है लय। लय मतलब होता है कथा सुनते हुए सोनी नहीं चाहिए, कथा सुनते समय सोनी नहीं चाहिए, जो सोएगा वो खोएगा, जो जगेगा वो पाएगा। इसलिए कथा में तो नींद आ जाती है, लेकिन सावधान हैं। पहला लय, उसको बाद में विक्षेप। विक्षेप का मतलब होता है जैसे कथा में बैठे हैं, मन लग नहीं रहा है, कब कथा खत्म हो, कब जाए, कब कथा खत्म हो हैं, इसलिए बड़ी चंचल चित रहता है। तीसरा है अभिनिवेश। अभिनिवेश मतलब होता है जैसे भरत महाराज भजन करने के लिए गए, लेकिन गए तो भजन करने के लिए हिरण के प्रति आसक्ति हो गया, फिर अगली जीवन में उन्होंने हिरण जन्म की प्राप्ति हुई। फिर रसास्वाद, रसास्वाद मतलब होता है जैसे भजन कर रहे हैं, भजन करते समय भजन तो इधर चल रहा है, हाथ भी चल रहा है, लेकिन जो मन है ना ये और कहीं, ये मन चला गया। भजन तो कर रहे हैं लेकिन मन मन में गोल गोपे के पास में, सिनेमा में, नहीं तो किसी दोस्त के पास में चला गया हैं। फिर तो कथा सुनने पर भी मन नहीं लगेगा, इसलिए मन दोस्त और कथायाम निश्चला मति, मतलब एक मन से कथा सुनेंगे तो फिर भगवत प्राप्ति होगी। फिर दो बार उन्होंने ग्रामवासियों को बुलाए, बोले देखो ज़्यादा दिन नहीं, सात दिन, अगर सात दिन कथा सुनेंगे ना हमारा लिए भी रथ आएगा, हम भी ठाकुर के पास में जाएंगे। इसलिए कथा से पहले आना और कथा से विश्राम से हैं, कथा में विश्राम होने के बाद जाना। फिर तो उन्होंने सारे गांववासियों को बुलाए, फिर उन्होंने कथा सुनाई। हे कथा जब समाप्त हुई, सबके सब एक मन से कथा सुने, कथा विश्राम पर वैकुंठ से विमान आया, रथ में बैठ करके सबके सब भगवान की धाम को गमन किए।
बोले श्रीमद् भागवत कथामृतम की जय जय श्री राधे। श्याम हम बीच में प्रभु जी थोड़ा बोल दो कुछ, फिर एक भजन सुनना, फिर आरती प्रसाद लेकर जाएंगे। बोलो खड़े में बोलो। कौन सा भजन गाएंगे डॉक्टर? आप कौन सा भजन गाएंगे? बढ़िया सर, ठीक 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 बोलो। हाँ नहीं अभी बोले ना तुम, जब भागवत कथा की महिमा सुनो। ओम ज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्य गुरुमे गौरचंद्राय राधिकाय सदालय कृष्णाय कृष्णभक्ताय तदभक्ताय नमः। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद्म पूज्यपाद भक्तिवेदांत श्री श्रीधर महाराज जी के चरणारविंदों में कोटिश प्रणाम करता हूँ, वंदन करता हूँ। उसके बाद मेरे परम गुरुदेव श्री पाश्री नारायण गोस्वामी महाराज जी के चरण कमलों में साष्टांग वंदन करता हूँ। उपस्थित समस्त वैष्णव वैष्णवियाँ आप सभी के चरणों में बार बार वंदन करता हूँ। हरे कृष्णा। भक्तवांछा गदगद रूप कृपा सिंधु दीन बंधु पतित पावन प्रियतम परमेश्वर अकारण करुणा करुणालय निखिल हेय प्रतिनिक अखिल गुणगण निलय भगवान श्री राधा माधव की महति कृपा से मानव जीवन का उत्कृष्टोत्कृष्ट फल सत्संग आज हम लोगों को श्री महाराज जी की चरण शरण में बैठ करके उसका पान करने का, उसको श्रवण करने का सत्सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। अभी महाराज जी ने श्री गोकर्ण उपाख्यान आप लोगों को सुनाया और वैसे समय कम है तो थोड़ा सा श्रीमद् भागवत जी को हम लोग बोलते हैं तो कभी ऐसे नहीं बोलते भागवत जी, हम लोग क्या बोलते हैं? श्रीमद् भागवत। श्री कौन है? श्री है राधा रानी। श्रोणातीति श्री, श्रावयतीति श्री, श्रुणोति आश्रित दुख जनक इति श्री। हम लोग भागवत जी को ऐसे नहीं कहते भागवत जी, ये श्री जी का मद है। श्रीयसह राधिकायाश्च मदः इति श्रीमद् भागवतः। राधा रानी का जो मद है वह है श्रीमद् भागवत। देखिए सबसे बढ़िया कथा कौन कह सकता है, किसकी कृपा से कह सकते हैं? स्वयं भगवान कह रहे हैं लक्ष्मी जी को, सुन लक्ष्मी अस्य लोकस्य माहात्म्यम् अहम् वक्तुम् अशक्तश्च। ब्रह्मलोके स्थिता रुद्रलोके स्थिता देवि मम लीला न जानन्ति, अन्ये मम भक्ता बहवः सन्ति पर तेपि मम लीला न जानन्ति, केवलं राधिका पदरसे मनोमज्जतु तेपि जानन्ति नान्ये। ये श्लोक है श्री राधा तात्मियोपनिषद का। सुन लक्ष्मी, भगवान कह रहे हैं लक्ष्मी जी सुनिए, अस्य लोकस्य माहात्म्यम् अहम् वक्तुम् अशक्तस्य। अस्य लोकस्य श्री राधा कृष्णस्य लोकस्य माहात्म्यम् अथवा श्री राधा कृष्णस्य चरितस्य माहात्म्यम्। राधा श्री राधा कृष्ण की दिव्य कथा को कौन कह सकता है? ब्रह्मलोके स्थिता, ब्रह्मा जी जो ब्रह्मलोक में आसीन है कमल पर में, रुद्रलोके स्थिता जो भगवान जो शंकर जी कैलाश पे स्थित है, वे देवी मम लीला न जानन्ति, वे भी नहीं जानते। तो अन्य मम भक्ता बहवः सन्ति, अन्यान्य मम भक्ता बहवः सन्ति, मम भक्ता बहवः सन्ति अन्यान्य, अलग अलग जो मेरे भक्त बैठे हैं वो कह सकते हैं? नहीं। अन्य मम भक्ता बहवः सन्ति पर देवी मम लीला न जानन्ति, वो भी पूर्ण रूप से मेरी लीला को नहीं कह सकते। तो फिर कौन कह सकता है? केवलम राधिका पदरसे मनोमज्जतु ते भी जानन्ति नान्ये है। जिन पर श्री किशोरी जी की अनंतानंद कृपा हो जाए, जिन पर श्री राधा रानी कृपा कर दे, वही कृपा से युक्त होकर के कह सकता है और वही कृपा से युक्त होकर के उसको सुन सकता है। इसलिए ये तो फिक्स हो गया कि हम सब पे कृपा है और महाराज जी में भी कृपा है, क्योंकि महाराज जी कह रहे हैं और हम लोग बैठे हैं तो हम लोग श्रवण कर रहे हैं, तो हम लोगों के ऊपर कृपा है श्री जी। तो सुखदेव जी उन पे भी कृपा है। हाँ, उन पे भी कृपा है। कैसे? सुखदेव जी, क्या सुखदेव जी ऐसे ही राधा रानी
ऐसे ही श्रीमद् भागवत को कहने के लिए तैयार हो गए? क्या उन्होंने ऐसे ही श्रीमद् भागवत जी कह दी? नहीं। गाढ़ानुराग भर निर्भर भंगुराय कृष्णेति नाम मधुरम मृदु पाठ यंजा धिम्मा मदंत मदि चंचल जाति दोषात यह राधा करार गुरुर्मोर कचस्तु दोषनिम। सुखदेव परमहंस के सुखदेव परमहंस जब श्री राधा रानी के पास बैठते हैं तो श्री राधा रानी के पास जब वे बैठते हैं तो श्री राधा रानी महाराज अनार के दाने को उनके मुख को खोल करके उनको देती है और एक एक लीला के ऊपर से पर्दा हटा करके सुखदेव परमहंस को वो लीला को दृष्टिगोचर कराती है, उस लीला को दिखाती है। जब देख देख करके एक एक लीला को सुखदेव जी आनंद से प्रवाहमान हो जाते हैं तब जाकर के भागवत जी के विषय में भी कुछ कहने के लिए सामर्थ्यवान हो जाते हैं। इसलिए श्रीमद् भागवत जी उसी को ही कह सकता है जिस पर अतिशय कृपा श्री किशोरी जी की होती है। राधा रानी की अतः अस्तु। ये सुखदेव जी कौन है महाराज? सुखदेव जी कौन है? ये सुखदेव जी श्री लीलाशुभ है, लीलाशुभ है ये। जब ये श्री राधा रानी के पास भी रहते हैं, ये श्री कृष्ण के पास भी रहते हैं। निकुंज लीला में जब श्री राधा रानी के पास ये शुभ रहते हैं और श्री कृष्ण के पास भी यह शुभ रहते हैं, जब श्री राधा रानी के पास ये शुभ रहते हैं तो अनार के दाना खिला खिला करके राधा रानी कहती है शुभ से, हे शुभ कृष्णवदह कृष्णवदह त्वमसि कृष्णवदह, हे शुभ कृष्ण कहो कृष्ण कहो। और जब वही शुभ जाकर के श्री गोविंद के पास बैठते हैं तो सुखदेव तो उन्हीं शुभ को श्री ठाकुर जी कहते हैं, हे शुभ राधा वदह राधा वदह, हे शुभ राधा बोलो राधा बोलो राधा बोलो। अब श्री सुखदेव जी दोनों के ऊपर दोनों की कृपा करुणा उन पर बरसती है तो महाराज एक दिन सुखदेव जी के सामने दोनों के दोनों प्रकट हुए हैं, श्री राधा कृष्ण युगल रूप आए हैं और दोनों ने कहा ये मेरा शुक है। श्री राधा रानी कह रहे अस्य मम शुकाः, ये मेरा शुक है। श्री कृष्ण कह रहे हैं ये मेरा शुक है। राधा रानी कह रही है ये मेरा शुक है। अब कैसे निर्णय हो ये किसका शुक है? तो पूर्णमासी पुरोहिताइन आई हैं, वो कह रही हैं कि आप इन्हीं से ही पूछ लो कि किसका शुक है किसका नहीं। तो श्री राधा कृष्ण ने कहा ठीक है, अगर ये कह दे श्री राधे तो ये श्री कृष्ण का शुक है, अगर ये कह दे श्री कृष्ण तो ये श्री राधा रानी का शुक है। तो कहा श्री राधा रानी ने हे शुभ कृष्ण वदा, श्री कृष्ण कह रहे हे शुभ राधा वदा, तो ना शुभ कृष्ण वदा बोले ना शुभ राधा वदा बोले, दोनों के दोनों नामों को सुखदेव ने जोर से कहा राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण। अस्तु द्वितीय द्वै युगलस्य शुकः, ये सुखदेव दोनों के ही हैं, राधा रानी के भी शुक हैं, श्री कृष्ण के भी शुक हैं। श्री भगवान अखिल गुणगण निलय हैं, साक्षात आनंद स्वरूप हैं। देखिए भगवान से आनंद कभी कभी अलग नहीं होता। यदि भगवान श्री पाणिनी व्याकरण में महर्षि पाणिनी ने आनंद को प्रायवाचित करते हुए श्री कृष्ण श्री भगवान को प्रायवाचित करते हुए लिखा है यस्य ये आनंदा स्वरूपः, ये आनंद के स्वरूप है। स्वरूप मतलब स्वरूपाय स्वरूपः स्व स्वतिष्ठति स्वयं स्वरूप, ये खुद स्वरूप है, आनंद है। श्री कृष्ण और आनंद में कोई भेद नहीं है, ये श्री कृष्ण आनंद ही है क्योंकि आह्लादिनी शक्ति श्री राधा रानी है, राधा माधव रूपक। इस कारण से श्रीमद् मानस में है ना, जब स्वयं राम जी और लक्ष्मण जी दोनों के दोनों आ रहे थे वनवास में थे तो हनुमान जी ब्राह्मण का वेश बना करके आए हैं और ब्राह्मण का वेश बना करके कहा है कि आप कौन है, दोनों से पूछा है आप कौन है, तो राम जी से कहा है हनुमान जी ने कि क्या आप तीनों देवताओं में से कोई हैं, कि तुम तीनों देवन माही, क्या आप तीनों देवता ब्रह्मा विष्णु शंकर में से कोई हैं? तो उन्होंने कहा नहीं 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 हाँ हम वो नहीं है। तो फिर क्या कहा है? तो उन्होंने कहा आपन चरित, भगवान बोले आपन चरित्र कहा ही हम गाई, हम अपना चरित्र गा रहे हैं। चरित्र क्या गा रहे हैं? उन्होंने राम जी ने कहा हम दशरथ नंदन हैं और हमने अपना चरित्र गा दिया है। तो जैसे ही कहा आपन चरित्र कहा है
गाई, मैंने अपना चरित्र गा दिया है। हनुमान जी समझ गए कि आनंद सिंधु तो केवल श्री रघुनाथ जी हो सकते हैं, ये इतनी मुश्किल समय में भी गा रहे हैं, तो मुश्किल समय में गाने वाले व्यक्ति तो स्वयं आनंद स्वरूप है। इसलिए उन्होंने कहा, प्रभु पहचानी पड़े गई चरणा, सो सुख उमा जाए नहीं वरना। जैसे ही पता है, पता चला हनुमान जी को कि ये इतने मुश्किल समय में, वनवास के समय में भी गा रहे हैं, तो आनंद सिंधु तो केवल श्री रघुनाथ हो सकते हैं। इस कारण से वे पहचान गए, ये और कोई नहीं है, स्वयं साक्षात श्री रघुनाथ जी हैं। हनुमान जी एक एक दृष्टिकोण से उज्जवल रस को लेकर के प्रतिष्ठित है, दास्य भाव को लेकर के प्रतिष्ठित है। हनुमान जी गलती से भी, हनुमान जी से कोई भूल नहीं हो सकती। रावण के दरबार में श्री हनुमान जी गए हैं, और रावण के दरबार में हनुमान जी के जाते ही रावण ने पूछा है हनुमान जी से, रे कपि कौन तू, तू कौन है? तो हनुमान जी से पूछा रावण ने, रे कपि कौन तू, तू कौन है? तो हनुमान जी बोले, दूत बलि रघुनंदन जू को, मैं रघुनाथ जी का भक्त हूँ। रावण बोला, को रघुनंदन, कौन रघुनंदन भाई? तो हनुमान जी बोले, जो त्रिशिरा खर दूषण दूषण भूषण भू को, जो त्रिशिरा और खर दूषण को मारने वाले हैं, और भूषण भू को जो पृथ्वी के अलंकार हैं। तो कहा ठीक है, रावण ने कहा, सागर कैसे तरयो, सागर को कैसे लांग लिया भाई, इतने बड़े सागर को तुमने कैसे लांग लिया? तो हनुमान जी बोले, जिमी को खुर, जैसे बच्चा गाय के खुर को लांग जाता है ना, वैसे मैंने राम जी की कृपा से तुरंत लांग दिया। तो रावण ने कहा, काज कहा, किस काम से आया है? तो हनुमान जी ने कहा, सीए चोर ही देखो, सीता जी के चोर को देखने आया हूं। तो हनुमान जी बोले कि एक बात बता, तेरे में इतना रावण बोला, तेरे में इतना बड़ा पराक्रम है, तो तू कैसे बच गया नागपाश में? हनुमान जी बोले, अरे मर्यादा देख, अरे जो तेरी ही नारी छुयो त्रिग कोर सो पातन पीखो, रात को जब सीता जी की खोज कर रहा था तो सोते हुए तेरी नारियों को देख लिया था, उन नारियों को देख लिया था जो भोग विलास में निशर्म होकर के पड़ी थी, बस उस प्राश्चित के लिए मैं बंधा था, अन्यथा तो मुझे तेरा बाप भी नहीं बांध सकता था। इसलिए श्री भगवान आनंद स्वरूप हैं, उनके भक्तों को श्री भगवान आनंद प्रदान करते हैं। आनंद लाडली जी के चरणों में नहीं लगता, बार बार गुरु वैष्णव अंगों समझाने आते हैं। दीवाने मन, मैं सभी भक्तों से निवेदन करूंगा कि जो भूले से भी ठाकुर जी के दरबार में आ गई, भगवान की विशेष कृपा है, और जिनको भगवान ने जिम्मेदारी दी है और दोनों हाथ दिए हैं, जब तक ये कीर्तन चले चले खुल करके ताली बजाकर के राधा रानी की सेवा करेंगे, और जो गा सकते हैं वो जिभ्या से कुछ गुणानुवाद भी करेंगे। दीवाने मन को लज्जा सकते की बात नहीं, कोई संसार का कार्य हो रहा है तो कहने की जरूरत नहीं पड़ती, लोग उसके अपने आप ही करेंगे। लेकिन भैया दो गज की दूरी बहुत जरूरी है, इसका भी ध्यान रखते हुए। दीवाने मन, वो पीछे जो मनीरा बजा के बजा रहे हैं, या तो आगे आ जाए लेकर के, नहीं तो उसको रख दीजिए, वो डिस्टर्ब होगा कर दो। दीवाने मन, दीवाने मन
हम श्रवण कर रहे हैं, ये रस को हम कानों के द्वारा पी रहे हैं। आनंद लेते
ये पहला लोकगीत है और हमारे महाराज जी ये विराजमान है यहाँ, ये बहुत लोकगीत है, लोकगीत बहुत सुनते हैं महाराज जी।
ये गोपी कहाँ कह रही है, और जब कोई और कोई गोपी ना आए ये सामने की सलामी दिल की मरी भोरी है ये बेटी कहाँ कह रही है, सुनो जाके बात सुनो कछु जाओ की बात सुनो भैया जय जय श्री राधे मन मेरा न मोहन मा